अभी तो अभी है नहीं है, तो एक बहुत बुरी कंडीशन है, आपको दिखाता हूँ अंदर जाके कौन सी कंडीशन हो गई है। और एक गुड न्यूज़ भी है, वैसे है तो दोनों गुड न्यूज़ ही है, मगर उसे बैड न्यूज़ कर दिया एक फीमेल ने, ओहे ये वाली ने यार माशाल्लाह ने इसके ना दोनों ही बच्चे निकल आए। नहीं मैं आपको शुरू से बताता हूँ, सुबह टाइम ना जिसने ना कल से अपने ना अंडों से उठ गई है, ये अपने अंडों पर बैठी नहीं, मुझे लगा ये अंडे ख़राब हो गए हैं, मैंने शुक्र है छील के देखे हैं तो दोनों ही बच्चे ना अंदर ज़िंदा थे। एक तो इधर पड़ा हुआ है ना, वो देखे पड़ा हुआ है, वो ज़िंदा है अभी भी, ठीक है। ये मैंने इसलिए रखा है ताकि जाके ना बैठ जाए अपने बच्चे पर, मगर ये है मतलब अपने बच्चे ने परेशान ऊपर बैठ ही नहीं रही, हालांकि अंडे में से ये उठ गई थी ना कल, इसी वैसे नहीं जा रही। और जो सा एक बच्चा है वो मैंने उठा के रखा है इधर, और इनका भी सुबह मैंने ना एक बच्चा निकाल दिया था क्योंकि डेट ऊपर हो गई थी दो दिन, तो मैंने खुद ही छील के ना निकाल दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब ठीक है बिल्कुल। और जो सा वो डफ का बच्चा है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो पीछे हो किधर है किधर है दिखाओ, वो देखें ये ना दिखाने नहीं दे रहा इस तरह से, देखिए ये बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ वो भी बच्चा उठा के रख देते हैं यार, वो ठंडा हो जा रहा है उधर पर ना, सर्दी तो है ही आपको पता है, तो ना वो भी उठा के रखते हैं ऐसे ही करते हैं। उसको मैं उठाता हूँ अभी, किधर है ये इसका छिलका है और बच्चा ये रहा, यार ये देखें बच्चा बिल्कुल अभी ना ठीक है, तो अभी ना इसको ना दिखाना नहीं है वरना इसने ना इसको ना फीड ही नहीं कराएगा, तो इसको मैं ना इसके ना नीचे रख देता हूँ। कबूतर के बच्चे जितना ही ज़्यादा छोटा तो नहीं है, वैसे थोड़ा बहुत है 19-20 का फ़र्क है, पाल लेगा, तो अभी मैं रखता हूँ। अभी यार इतना ठंडा हुआ है ना, ये शुक्र है मुझे अभी ना इन्होंने बच्चे निकाला हुआ है तो ये पाल लेंगे। बच्चे मैंने रख दिया फीमेल जाकर ना ऊपर बैठ गई है, अब थोड़ी देर बाद आके देखते हैं कि फीड करवाते हैं नहीं, क्योंकि बेट को भी बताएंगे तब भी हम। पर इनके नहीं अभी बच्चे निकला, इनका सिर्फ एक निकला है, अभी चलते हैं बाहर ही, वो बैठ गया है ना, देखते हैं फीड करवाते भी आए नहीं। सुबह मैंने जो सा बच्चा निकाला था ना उसको इन्होंने फीड करवा दी है। बच्चे रख के ना काफ़ी देर बाद ऊपर आए हूँ, कबीर तो पहले ही आ गया था। हाँ खोल दो, तो मैं एक बात बताता हूँ, हमारे डब ने दोनों बच्चे निकाले नहीं है, मैंने खुद ही निकालने हैं, मतलब है जिसने कर लिए थे, एक दिन पहले इसने छोड़ दिया अपने बच्चे, पाले ही नहीं है, ये बैठी है जिसने अंडे दिए थे, और इसने तो छोड़ दिया था कल की नहीं बैठी थी, इसे मैं कल का गौर कर रहा था ये बैठ ही नहीं रही थी, तो इसी वजह से ना मैंने आज अंडे इनके ज़ाया करने लगा, फेंकने लगा, मैंने कहा चलो बच्चे बने रहे थे अभी ना खोल के देखते हैं कि कितने के बच्चे बने थे, तो जब मैंने खोल के देखे हैं बच्चे जिंदा के खुद ही हिल रहे थे, तो फिर मैंने उसके नीचे रखे, अभी आपको जाके दिखाता हूँ। बाहर ही रहना, अंदर ना आना वरना इन्होंने फिर उड़ना है, इनको बाहर भी निकालते हैं अभी। ये देखें डफ का छिलका ये रहा, ये इन्होंने उतार के बाहर फेंक दिया, और जो सा ये वाला है ना दूसरे वाला, ये है हमारे दूसरे कबूतरों का अंडे का छिलका, तो अभी इनको बाहर निकालते हैं, उठा के देखें इसको, तो मैं उठा के देखता हूँ। बिस्मिल्लाह, अल्लाह करे ठीक ही हो। ओहो यार ये क्या बना हुआ है, ये तो मार दिया इन्होंने एक यार मर गया है। यार दूसरा उठा लें हम, उसको फीड कैसे करवाएंगे हम, वही वही दूसरे को बिना, यार बहुत बुरी हालत की हुई है, इसको उठा के तो सर पर रखूँ, वो देखें हिल रहा है अभी भी। यार सीरीलैक मेरे पास है, यार क्या करना चाहिए मुझे कुछ समझ नहीं लग रही, मुझे उम्मीद लग रही है ना इन्होंने नहीं पालना बच्चा, तो ना इसको उठाते हैं कबूतरों का रहने देते हैं, उसको अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने फीड करवा दी है, तो ऐसे ही करवाई जाए, तो इसे बाहर लेके चलते हैं। इधर ये भी उठाओ जो सा मर गया यार, ये पकड़ो इसको, देखो ये जिंदा है नहीं, बाहर चलते हैं वहाँ पर बैठते हैं चार पे, इनको खोल देना, अभी मैं यहाँ पर रख के देखता हूँ कोई ज़िंदा है अभी या नहीं, यहाँ पर रखते हैं, ये रहा जो सा जिंदा बच्चा है, इसको फीड करवाई थी बिल्कुल भी नहीं करवाई इसको, यार मेरे पास सीरीलैक पड़ा हुआ है, ठीक है इसको सीरीलैक से फीड करवा, यार ये सीरीलैक हमारा तब वाला ही पड़ा हुआ है जो सा हमने लाए थे दूसरे बच्चे के लिए कबूतर के, अब एक सिंच भरते हैं इसमें से पानी की, एक सिंच काफ़ी है इसके लिए।
कम कर तो से हां इससे कम मैं अब क्या करूं, थोड़ा सा मैं कह रहा हूं वो डाल लेते हैं, कुछ नहीं होता, इतना काफी है। फिर थोड़ा सा ऐड करते हैं सीरिलैक, ज़्यादा ना ऐड हो जाए, पतला ही रखना हमने। चलो यार अभी करते हैं हैंड फीडिंग, यार इसको बहुत मुश्किल होना है, मेरे बड़ा हाथ कांप रहे मेरे। थोड़ी थोड़ी सी की जाएंगे, माशाल्लाह देखें हैंड फीड हो रही है, मैंने काफ़ी से खिला दी है पहले भी, बस इतना ही ठीक है मैं कह रहा हूँ, बाकी ऐसे ही रख देते हैं। देखा ये कितनी आज़ादी थी इनके लिए, अभी से ना जब ये ख़त्म हो जाएगी ना, हज़म कर लेगा इतनी, तब इसे और खिलाएंगे हम। अभी इसे गर्म रखने का इंतज़ाम करना है हमें, रूम वगैरह लाते हैं कहीं से। ना इसको हमने फीड करवा दिया ठीक है, अब इसे ऐसे ही लेटे रहने देते हैं, थोड़ा सा कपड़ा ऊपर दे देते हैं जिससे है ना हीट में रहे। तो मैं इसके लिए कोई चीज़ बना कर लेके आता हूँ जिसके अंदर इसे रखेंगे, रूई वगैरह रख के। तो ये पानी है ना उनके अंदर डाल दो, तो बाकी चीज़ें अभी रहने दो इधर ही, तो क्योंकि इसे ना अभी घंटे बाद या दो घंटे बाद अभी फिर से फीड करवाएँगे। यार मैं लेके आ गया हूँ रूई वगैरह ठीक है। तो यार ये डब्बी ज़्यादा छोटी है, कोई ना कोई बड़ी सी डब्बी मिल जाए, तो मैं माचिस की डब्बी ले आया हूँ, तो इसके अंदर रखते हैं। ओ थोड़ी सी रूई उठाते हैं, ज़्यादा हो गई रूई। ये ठीक है इसके लिए, इसके ऊपर भी खींच लेगा, इसके ऊपर ये ऐसे रख दिया करेंगे, फिर जब फीड करवानी होगी तब इसको निकाल लिया करेंगे ऐसे। ठीक है इसको चेंज थोड़ी सी ऊपर कर देते हैं, गर्म ही रहेगा ना ऐसे, तो ऐसे धूप से इस साइड पर कर देते हैं, धूप डट ना पड़े। यार अगर तो ये हमारे से ना भरा आ गया ना दो तीन दिन का, तब इसे हम ना कबूतर के नीचे रख देंगे, क्योंकि ज़्यादा ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते हम इसको पालने वाली, एक दिन ही हम बहुत मुश्किलों से इसे फीड करवाई है अभी भी। इतनी देर बाद जाके ना हमारे पास डबों की ब्रीड आई थी ठीक है, वो भी अकेली इस डब ने निकाले थे, यार इसका मेल नहीं था ना, इसी वजह से इसने लगता है बच्चे छोड़ दिए अपने, पता नहीं क्या किया, अगर मेल होता शायद ये बच्चे पाल ही लेते, मुझे बड़ा गुस्सा चल रहा है इन पर। अब यार बच्चे अब निकाल लिए हैं तो उनको पालें भी सही, ये गलत किया वैसे इसने, वो भी सुबह मैंने शुक्र है खोल के देख लिए अंडे, तो बच्चे अंदर ज़िंदा थे अभी, वरना मैंने तो फेंक देने थे ऐसे ही, तो लगता है अब इसने बाहर आना है। ये कह रही यार वैसे ये भी कैसे हैं, इन्होंने सिर्फ अपने बच्चे को फीड करवाई है, दूसरे को करवाई नहीं है मेरे ख्याल से, वो करवाते होंगे, वो लेता नहीं होगा, वो ज़्यादा ही छोटा है उसका मुँह ना, जब वो बड़ा होगा ना तब उसका ना कबूतरों के साथ ही रखेंगे हम। बेड बना दिए यहाँ से, फेस इसका मुँह जो से बाहर निकाल दिया, बाकी सारा अंदर है। यार इतनी देर बाद जो से ना हमारे पास डबों की ब्रीड आई थी, वो भी सिर्फ किसकी वजह से मरे हैं, ये अकेली फीमेल की वजह से, अगर इसके साथ मेल होता शायद ये बच्चे पाल ही लेते, मगर इन्होंने पाले नहीं है, और ऊपर से कबूतरों के नीचे रख दिए ना, तो ये ज़्यादा ही छोटे थे कबूतर, ने एक अपने नीचे देख ही मार दिया, जिसकी वजह से उसकी सांस ही बंद हो गया था मेरे ख्याल से। अब एक बच्चा अल्लाह करे ये बच जाए। यार फिर किन्ना कच्ची लगी, लाइक करे शेयर सब्सक्राइब करे, अल्लाह हाफिज।